सितंबर 2020 बरोज जुमारात जमात छठी मजमून उर्दू मजमून उर्दू मौजू हमारा है बर्फबारी बर्फबारी आप सफर नंबर 80 निकालो जी। वहां से हमने निसब कल पढ़ा है बच्चों पढ़ा है ना जी। तो मैं आपको उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपका उस्ताद शमसुद्दीन पीर टीचर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल आउटपुली आपके सामने खड़ा हूँ और आपके को उर्दू पढ़ाने जा रहा। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ोगे क्या मेरे साथ मिलकर। और जहां से हमें शुरू करना है वहां आप देखो मैं पढ़ूंगा पहले और फिर आप मेरे साथ पढ़ो। सब खुश को तरगम सब खुश को तरगम दीवार ओ दरगम हर एक बशर गुम सर्दी के डर से निकले नगर से दिन रात भर से शामो सहर गुम शमसो कमर गुम मजदूर बेकस है सख्त बेबस होती नहीं बस बस हो तो जाए जाकर कमाए खाए खिलाए मजदूर बेकस है सख्त बेबस कमसन ये लड़के उठते हैं तड़के लड़के झगड़ के हर एक भूले हैं कोरे गोले बयानी शिरी मेरी रवानी रुकती नहीं है थमते हैं दरिया जमता है पानी मेरी रवानी रुकती नहीं है। ये रसा जावेदानी ने लिखी फिर एक बार हम पढ़ेंगे। सब खुश को तरगम सब खुश को तरगम देवार ओ दरगम हर एक बशर गुम सर्दी के डर से निकले नगर से दिन रात भर से शामो सहर गुम शमसो कमर गुम मजदूर बेकस है सख्त बेबस होती नहीं है बस हो तो जाए जाकर कमाए खाए खिलाए मजदूर बेकस है सख्त बेबस कमसन ये लड़के उठते हैं तड़के लड़के झगड़ के हर एक बोले हैं कोरे गोले जादू बयानी शीरी जबानी मेरी रवानी रुकती नहीं है थमते हैं दरिया जमता है पानी मेरी रवानी रुकती नहीं है यानी इसका मतलब है ये जो बर्फबारी जब होती है बच्चों हमारे यहाँ नवंबर के बाद यानी दिसंबर जनवरी फरवरी बर्फबारी होती है ये हमारा जो स्कूल है ये बर्फ से ढका हुआ होता है। हर जो खेत ये खलियान है मकान हमारे हैं दरख्त हमारे हैं ये बर्फबारी से ढके होते तभी ये कहता है सब खुश को तरगुम ना उसको उस वक्त हमें खुशकी जमीन नजर आती है ना आबी जमीन नजर आती है दीवार नजर नहीं आती है दरवाजे नजर नहीं आते हर एक बशर हर एक इंसान घर में फंसा हुआ आता है जैसे गुम हुआ होता है सर्दी के डर से क्यों नहीं निकलते क्योंकि सर्दी होती है घर में बैठे होते दिन रात बरसे जब बर्फ बरती है वो दिन को भी बरती है बर्फ गिरती है और रात को भी गिरती शाम और सहर गुम न शाम का पता चलता है न सुबह का पता चलता न चांद का पता चलता है न आफ्ताब का पता चलता न मजदूर जो होता है बेकस होता है वो किसी उसको मजदूरी नहीं बनती।
अब वो यही दुआ करता है मजदूर हर एक इंसान कि अब या अल्लाह माफी दे, अब ज्यादा बर्फ गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गरीब होता है उसको मजदूरी पर का सहारा होता है, जब उसको मजदूरी नहीं मिलती वो अल्लाह से दुआ करता है अब बस कर मैं कुछ कमाऊं और अपने बच्चों को। लड़के जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो सुबह सवेरे निकलते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं गोला फेंको, क्या कौन सा वो बर्फ का गोला। ये जो जो बयान किया है किसने, रसा जाउदानी ने, कैसी मीठी नज़म बनाई है इस पर, बर्फबारी पर, और कहता है थमते हैं दरिया जमता है पानी, आप अक्सर बेशतर कहते हो पानी जम जाता है दरिया रुक जाता, और ये बर्फबारी कहती है मैं गिरती रहती हूँ और हर काम में रोक देती। ये किसने लिखा है, रसा जावदानी ने बर्फबारी के बारे में लिखा है। ये थी बच्चों आज की नज़म जो हमने पढ़ी। इंशाल्लाह जब दोबारा हम इस क्लास में हाजिर हो जाएंगे हम इसके सवाल भी करेंगे और अल्फाज माने भी लिखें बाकी।